हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 6th सेमेस्टर वालों के लिए मिनरल्स, फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके आगे के क्वेश्चन हमने अपलोड कर देते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एक है, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए मृदा के बोरेक्स की प्रयुक्त आवश्यकता मात्रा होनी चाहिए। यह आंसर नंबर इसका होगा बी, 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 62 है, राइजोबियम कल्चर के प्रयोग में निम्न में से किस तरह की फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। इसका आंसर नंबर होगा बी, दलहन में। क्वेश्चन नंबर 63 है, राइजोबियम इनाकुलेट में दलहन में वृद्धि होती है 2 से 65%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64 है, एजेक्टोबैक्टर में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इसका आंसर नंबर होगा 772। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65 है, एजोस्पाइरम में ज्वार एवं बाजरा के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। आंसर नंबर इसका ए होगा, 15 से 17%। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीलहरी शैवाल में धान के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 से 24%। क्वेश्चन नंबर 67 है, अजला से धान के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। 13 से 33% तक। क्वेश्चन नंबर 68 है, एजोस्पाइरम व एजेक्टोबैक्टर के प्रयोग में नाइट्रोजन की बचत देखी गई है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रति हेक्टेयर भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा होती है 80,000 टन। क्वेश्चन नंबर 70 है, राइजोबियम में किस वर्ग का जैव उर्वरक है। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया द्वारा संचित नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट के माध्यम से क्या अनुपात होता है। 1:10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72 है, नीलहरी शैवाल में निम्न में किस वर्ग का जैव उर्वरक है। फास्फोरस सल्गुलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया द्वारा संचालित नाइट्रोजन एक और अमोनियम सल्फेट के माध्यम का अनुपात होता है 2:3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन तीव्र गति से बढ़ने वाला राइजोबियम है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रेडी राइजोबियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, मटर के पौधों की जड़ों की गांठ में निम्न में से कौन राइजोबियम पाया जाता है। इसका आंसर नंबर होगा ए, राइजोबियम ट्राइफोलाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 76 है, अल्फा वर्ग के पौधों की जड़ों की गांठ में निम्न में से कौन सा राइजोबियम स्पीसीज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, राइजोबियम मिलेटेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कैल्साइट का सूत्र है, कैल्साइट का सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मोलिब्डेनम की उपलब्धता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, 7 PH पे। क्वेश्चन नंबर 79 है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन बराबर होता है 2.17 किलोग्राम यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, धान के पानी भरे खेत में शैवाल द्वारा प्रति हेक्टेयर स्थित किए जाने वाले नाइट्रोजन की मात्रा होती है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर नंबर ए होगा, CaHPOA का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है हिस्ट एयर में, पोल्ट्री मैनुअल्स में यानी कुक्कुट पालन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, फास्फोरस उर्वरक का फसलों पर अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ता है ये प्लेसमेंट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, पाइराइट में गंधक की मात्रा होती है 16 से 22%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 85 है, एनहाइड्राइड अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 82%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सिंगल सुपर फास्फेट में पीओ की प्रतिशत मात्रा होती है 16%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 87 है, इंडोल एसिटिक एसिड है ये ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षित एवं देर से बुवाई की दिशा में मैदानी क्षेत्र में गेहूँ के लिए उर्वरकों की एनपीके किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मुद्रित है। ऑप्शन नंबर 80-60-40। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रारंभिक अवस्था में धान नाइट्रोजन लेती हैं अमोनिया के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, गंधक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बायो सुपर बना होता है बस जैव खाद एवं सुपर फास्फेट का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद होता है NO2 गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारी उर्वरक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 94 है, अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, रॉक फास्फेट है एक जलीय अविलय फास्फोरस उर्वरक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक है ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 97 है, जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 98 है, नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है मुर्गी की खाद में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99 है, राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जड़ों की गांठों में पाया जाता है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंपोस्ट है एक मोटी खाद है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि मरकरी जीएच का स्तर अचानक गिर जाता है तो तूफानी दशा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 102 है, जायद मक्का के लिए संतुष्ट एनपीके की मात्रा होती है 150-50 किलोग्राम एनपीके। क्वेश्चन नंबर 103 है, वे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है कहलाते हैं मुख्य तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 104 है, निम्न में कौन सा प्राथमिक तत्व हवा या पानी से प्राप्त होता है, कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में कौन सा पोषक तत्व पौधों की भूमि खाद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, सल्फर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107 है, वे पोषक तत्व जिनकी अल्प मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होते हैं कहलाते हैं सूक्ष्म तत्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, मृदा द्वारा पौधों को कितने सभी आवश्यक पोषक तत्वों को आवश्यकता व उपलब्धता कराने की क्षमता कहलाती है सूक्ष्म तत्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, विशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मृदा के पौधे उत्पादन क्षमता को कहते हैं मृदा उत्पादकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सी क्रिया भूमि के पोषक तत्वों के ह्रास के लिए जिम्मेदार होती है, ये रिग्रेडेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका आंसर नंबर होगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, नाइट्रोजन किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है, अमोनिया के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो प्रकृति में असंयुक्त रूप से उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 114 है, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है, 60%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, काइनाइट में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है,
12 से 16%। क्वेश्चन नंबर 116 है, सल्फेट ऑफ पोटास का पोटेश सल्फेट में कितने प्रतिशत पोटेशियम होता है? 48%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, जिप्सम में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन विद्यमान होता है? 18.6 से 23.5% नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर सर्वप्रथम देखे जाते हैं शीर्ष पत्तियों पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है, गंधक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 120 है, ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए प्रति हेक्टेयर की अनुसंधित बीज दर है 60 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हमने इससे पहले का वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमने इस फील्ड में टॉप 150 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के देश से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं।